हाल में शेख, जैसे कि मैंने पिछले बार भी बताया था कि अब मंडी के अंदर जो है वो 2023 से कुर्बानी के लिए बच्चे आने शुरू हो गए, बकरे बछड़े ना। दोस्त क्या मांग रहे हो इसके? 80,000 रुपये। ये इस साल तैयार हो जाएगा या 23 में जाएगा? कन्फर्म है आपको? अभी कितने महीने का है? एक मिनट आया आपके पास। अभी कितने? 17 महीने का बच्चा है। 17 महीने के लिहाज से बच्चा थोड़ा छोटा रह गया। खैर अच्छा, ये भाई पहले तो मेन रोड है, ये मेन रोड के ऊपर जो है ट्रैफिक होता है जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी क्लियर नहीं हो पाती, तो खैर इसके लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा भाई। 80,000 रुपये देने वाले क्या होंगे तो फाइनल इसके? फाइनल 70। और कोई गुंजाइश? कौन सी ब्रीड में से ये? कौन सी ब्रीड है ये? पंजाब क्रॉस ब्रीड है। ठीक है, मोबाइल नंबर दोगे अपना? चलो मोबाइल ले लो। ठीक है। अच्छा ये भी छोटे बच्चे खड़े हुए, ये भी अगले साल के हैं? अगले 23 के बच्चे हैं ना ये? क्या मांग रहे हो इस वाले बच्चे के? 50। कौन सी नस्ल है ये? कौन सी नस्ल है दोस्त ये? मलीर। मलीर की कौन सी नस्ल होती है? हरी बच्चे। हाँ हरी बच्चे। और ये थरी है? सबके एक ही रेट मांग रहे हैं या अलग अलग है कोई? इसके क्या मांगे लाल वाले के? 45। ये 50, ये 45 और वो 45। ठीक है भाई। अच्छा भाई ये देखने आप, ये इस तरह के बच्चे आते हैं मंडी के अंदर। अच्छा ये छोटे बच्चे भी हुए हैं भाई, अभी इसके बारे में भी आपको पता करते हैं। ये एक बच्चा अच्छा नज़र आया पिंक नोज के अंदर, हाफ पिंक नोज है, वो भी आपको दिखाते हैं। फिलहाल पहले आपको ये बड़े बच्चे दिखा देते हैं, ज़रा ये बच्चे देख लें। माशाल्लाह चीज़ें अच्छी है, वो मक्का चीनी एक बच्चा है। क्या मांग रहे हैं जनाब इसके? हैं क्या मांग रहे हैं? चलो भाई मसरूफ़ है फिलहाल, तो तुम बता दो इसके क्या मांग रहे हो? इसके 1,40,000। 1,40,000 रुपये। और इसके क्या मांग रहे हैं? इसके 3,00,000। माशाल्लाह 3,00,000 रुपये। क्यों भाई बजा? चीज़ तो देखिए भाई। अरे चीज़ तो हम देख ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह चीज़ तो यार अच्छी है, कलर में भी है, नस्ल में भी चीज़ है। कौन सी है भाई? है चोलासानी है भाई। अच्छा नाव? चोलासानी नाव और झालर में है थोड़ी सी कमी। भाई मांग रहे हैं 30,000, 3,00,000 रुपये। और इसके मांग रहे हैं तुम कितने? 1,40,000 रुपये। चलो भाई ठीक है। अच्छा भाई ये हैं छोटे बच्चे कुछ यहाँ के, अच्छा ये भाई ये वो बच्चे हैं जो मुश्किल से टिकते हैं। और ये देख लें सारे दूध वाले बच्चे हैं, ये ऑलमोस्ट महीने भर के अंदर के बच्चे हैं सारे। अरे ये बच्चा एक बड़ा अच्छा है, पिंक नोज़ के अंदर आएगा, हाफ पिंक नोज़ है। अगर ये बच्चा बन गया तो बहुत शानदार, और अगर नहीं बना तो खैर आप यूँ कह सकते हैं कि फिर ना बनने बने। इनमें कुछ बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलियन क्रॉस ब्रीड में से मौजूद हैं। ठीक है ये माशाल्लाह अपलग बच्चा कहलाता है, ये अपलग ब्रीड में से है। अच्छा जनाब ये देखें, ये अपलग के अंदर बच्चा देखें पहले चीज़ ज़रा देखें। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत बच्चा है, ऐसे बच्चे बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन मज़े की बात ये कि जो अभी जो सीज़न चल रहा है सर्दी का, उस सीज़न में ऐसे बच्चे जो है पालना बहुत टफ होता है, चल जाता है लेकिन नसीब से है कि आपके पास रह गया तो रह गया, अदरवाइज हालांकि देखिए जो टी वाइटनर पिला रहे होते हैं इनका बेदा भी हो जाता है ख़राब ना। ये भी क्रॉस ब्रीड में से बच्चा है ये। ठीक है ऐसे ये भी बच्चा, दोनों बच्चे ही क्रॉस ब्रीड है, कोई भी प्योर नहीं है इनमें से, कोई बच्चे प्योर नहीं होते, सारे बच्चे जो है वो फ्रीजन क्रॉस ऑस्ट्रेलियन क्रॉस ब्रीड होते हैं। जैसे कि ये बच्चा देख लें, या फिर दिखाता हूँ ये पीछे से खड़ा है बच्चा, पीछे हो गया बच्चों का चेहरा आगे करो। ये देखें बहुत ही शानदार बच्चा है ये। अगर ये बच्चा रह गया तो आप यूँ समझते हैं कि इसको पालना थोड़ा टफ है, पिंक नोज़ के अंदर बच्चा है, कलर भी आउट स्टैंडिंग है। अगर ये बच्चा एक साल का भी अगर लेते हैं ना तो 1 से 1.5 लाख रुपए की डिमांड के अंदर बच्चा मिलता है। ये वैसे बच्चे हैं ये, लेकिन प्योर होने चाहिए, चोलिस्तानी के अंदर होने चाहिए। ये ना चोलिस्तानी है ये, ना ऑस्ट्रेलियन है, ये ऑस्ट्रेलियन और चोलिस्तानी क्रॉस ब्रीड के अंदर में से बच्चे हैं। ये बच्चा भी क्रॉस है, और ये सारे ही बच्चे इनके पास क्रॉस ब्रीड होते हैं ना। ये बच्चा भी क्रॉस है, ये सारे बच्चे क्रॉस हैं।
ये कुछ ऑस्ट्रेलियन ब्रीड में से हैं, ये ऑस्ट्रेलियन, ये अच्छा बच्चा है इनका। चलो बच्चे को तो बाहर करो, दिखाओ, हाइट अच्छी है बच्चे की, ये देखें इस ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की बहुत शानदार हाइट है, बहुत अच्छी हाइट है और थोड़ा शार्प बच्चा है। इसका क्या मांग रहे हो? इसके 18,000। इसके क्या मांग रहे हो? इस वाले के 16,000। और इसके क्या मांग रहे हो? इसके 16। अच्छा, इसका बाबा, इसका क्या मांग रहा भाई? इसके बाबा 28,500। पागल हो गया तू? चीज भी है इसके, पागल इसका है। क्या मांग रहा है? इसके 18,000। पिला इसको बाबा, इसके तेरे लिए 15, उसके भी 15। इसको पानी नहीं पिला इसको, पागल हो गया ये। 28,000 मांग रहा है। इसका क्या मांग रहा है? ये सस्ते हैं, 25 की जोड़ी। 25 की जोड़ी? अबे क्या लेके आई है ये, क्या है ये? खाते पीते हैं ना, रहम कर यार, ये कचरे वचरे में छोड़ देगा, खाते रहेंगे। ये देखें ये भी सारे पटे, इनके क्या मांग लो? ये सस्ते हैं, 8,000। 5,000 यार, इतना तुम लोग क्या हो गए? तुम लोग रेट मांग रहे, क्या मांग रहे सबका? 8,000 मांग रहे यार। ये सारे बच्चे जो हैं वो 6,000-7,000 बच्चे हैं, 6,000-7,000 बच्चे हैं। ऐसा करेगा तुम, इतना रेट मांगे रहे कि खर्चा आप खुद दे रहा है। ऐसे नहीं करो यार, हो गया यार, क्या करेगा? फाइनल कितना कितना कम करेगा ये बता जल्दी। फाइनल जो दिल करे वो दे दियो, कम कर देंगे बस। नंबर बताओ अपना, नहीं रखते बात। अब नंबर नहीं बताएगा तो लोग कांटेक्ट कैसे करेंगे? लिखो, ये दो बच्चे पसंद आए किसी को, पसंद और मुझे पता है, उम्मीद है कि पसंद आएंगे बच्चे। ये बता, 312-27-27-94-94-578। 578। ऐसा तो नहीं अपना बंद नंबर तो नहीं दे देगा ना? नहीं नहीं। इसका क्या, इसका नाम क्या है? नाम नहीं, ये जग्गू है, ये बेनाम है, ये जग्गू है, नाम हाजी साहब लोग फिलहाल। अच्छा, ये भाई उल्टा सीधा रेट बताता है, ये सही रेट बताता नहीं, ये बच्चा अच्छा लिया, रेट अच्छा नहीं बताता है ये। तो तुम इतना रेट बता दो कैसे आएगा? 28,000 तुम बता रहे हो, तो कहाँ से कोई आएगा 28,000 रुपये में? क्या चीज़ है ये? तो आएगा, नीयत साफ होनी चाहिए। चले भाई, चीज़ है, खैर 2-3 बच्चे इसके पास अच्छे हैं जो मुझे पर्सनली मुझे बहुत पसंद आए, और अगर चाहिए अभी दिसंबर का महीना करीब ना होता तो मैं शायद ये बच्चा ले लेता, क्योंकि मैं ये बच्चा, इस तरह का बच्चा पाल चुका हूँ ऑलरेडी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कुछ बच्चा खड़ा हुआ है, वो भी इन्हीं में से था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा अभी 23-24 महीने का हो चुका है, और करीब 5-5.5 पर वजन कर चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चे पल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा टफ़ होता है पालना, अगर आप तो केयर कर सकते हैं तो ये पल जाएगा, अदरवाइज है वो बच्चे ये ज़ाया हो जाते हैं। उम्मीद है कि आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगेगी, भाई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये जानवर इस सीज़न में पालना चाहिए या नहीं। ये शौक कहेंगे इसको आप, या ज़रूर कहेंगे, वैसे कुछ लोग शौक कहते हैं भाई, और हकीकत ये है कि ये जुल्म है, इतने छोटे बच्चों को ले करके मार्केट में बेच देना। सिर्फ जो हमारे फार्मर हजरात होते हैं भाई, वो दूध की वजह से जो है बच्चे हटा देते हैं, और ये बड़े जो है बच्चे बेच देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आप दोस्तों को वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो अच्छी लगेगी तो भाई वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और ये देख लें, ये भाई को पहचान लें, ये देखें इसको पहचान लें आप, ये जो है ये महंगा माल बेचता है, तो इसको पहचान लें, इसके पास नहीं आइएगा।